बीटीपी उम्मीदवार कांतिलाल रोत ने भी जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी उम्मीदवारी का नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। हमारी प्राथमिकता कुछ नहीं रही, जनता की प्राथमिकता वही हमारी प्राथमिकता है। जनता नाराज है, अभी देख लिया आपने कांग्रेस और बीजेपी की प्रचार बना, कितने लोग आए थे यहाँ, कितने हम भी नहीं गिन सकते, आप भी नहीं गिन सकते। इसलिए प्राथमिकता ये रहेगी, माही डैम का पानी, हरियाणा का पानी, इस इलाके के आदिवासी समेत जो यहाँ पे सारे लोग रह रहे हैं इनको मिलना चाहिए। 500 किलोमीटर जो पानी जा रहा है वो बंद होना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता रहेगी बांसवाड़ा के अंदर जो परमाणु बिजली घर बनाया जा रहा है वो हमारे लिए विनाश का मामला है। चाहे यहाँ का जनरल हो, कोई भी इंसान हो, जब अमेरिका जैसे देश में परमाणु बिजली घर को बैन किया है तो ये राजस्थान के दक्षिण का आदिवासी इलाके में क्या जरूरत है इसकी, किसको मिलेगी बिजली? फालतू बकवास करनी चाहिए हमको, ये ले जाओ दिल्ली के पास ले जाकर बनाओ अपना नदी में, आप मरो डूब मरो, हमको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के लोग नहीं मरने चाहिए। दूसरी प्राथमिकता तीसरी ये है, इस इलाके में हम लोग विगत 5-6 सालों से जन जागरण कर रहे हैं, जो हमारे पुरखों द्वारा सपना देखा था, गोवनगर महाराज ने देखा था, संत सुरमाल ने देखा था, ज्योतिषर महाराज ने देखा था और देवापुरी महाराज ने देखा था, इस इलाके में भिल राज यानी भिल प्रदेश होना चाहिए, आदिवासियों का स्टेट होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, हम बना तो नहीं सकते, अगर जीतते हैं तो संसद में जाके जरूर टेबल बजा के कहेंगे कि इतने सालों से आपने हमारा विकास नहीं किया, इसलिए हमको भिल प्रदेश चाहिए। दूसरा हमारा ये रहेगा कि इस इलाके में स्थायी रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। हमारे लोग कहीं अहमदाबाद जा रहा है, कहीं बॉम्बे जा रहा है, घर में ताला लगा है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं कोई अता पता नहीं है। दूसरा, इस इलाके में भय और भ्रष्टाचार है, सारा भय और भ्रष्टाचार है, किसी न किसी चीज से छिपा हुआ है। अभी उसका ताज़ा उदाहरण हम चुनावों में देख लेंगे, दोनों पार्टियाँ करोड़ों रुपया खर्च करने वाली हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? पैसा कहाँ से आया उनके पास इतना पैसा? ये भ्रष्टाचार पार्टियाँ ही कुछ कर रही है। इस इलाके में हम दारू जो चल रहा है, दारू विहीन आदिवासी इलाका होना चाहिए। अब आदिवासी दिन की 100 रुपये कमा के लाता है, शाम को 50 रुपये की दारू पी जाता है, मेरे भी झगड़ा होता है, काहे काहे क्यों दारू, क्या बना रखा है, दुकान खोल रही है, धंधा कर रखा है ये लोगों को मारने के लिए, लोग बीमार हो रहे हैं, टीबी हो रही है, क्या हो रहा है, मर रहे हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी तीसरी सब जितनी भी सारी समस्याएं हैं उस समस्याओं के जड़ दोनों पार्टियां हैं और पार्टियों के साथ में मिलके दूसरे जो किस्म के लोग थे जो स्वार्थी अपना लाभ लेने के लिए वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए इस समस्या आप सब देख रहे हैं, मुझे क्या कह रहे हो भैया, हम तो धरातल से निकले हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे जो हमारे साथ में आए हैं सभी ने संविधान पढ़ा है। एक दूसरी बात मैं आपके मार्फत से कहना चाहूँगा, आज देश में राजनीति नहीं हो रही, व्यक्ति विशेष हो रहा है, कोई मोदी जी को गाली दे रहा है, कोई राहुल को दे रहा है, इसको दे रहा है, क्या बना रखा है, मुद्दे की बात ही नहीं करते, भूल गए, ये ऐसा होना चाहिए, ये चाय वाला, ये पप्पू, ये फलाना, ये ढेकड़ा, क्या बना रखा है, ये देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए सब ऐसा पूरा। आप अगर मीडिया सही दिखाना चाहते हैं तो इस बाइट को दिखाइए। क्या जरूरत थी रेल की इस इलाके में लाने के लिए? जैसे रेल चल रही थी अपना कॉन्टैक्ट कर लेते, डूंगरपुर से बांसवाड़ा पास में ही था, अब रतलाम जोड़ दिया, अब रतलाम जोड़ने के बाद में वहाँ से लोग आएंगे, यहाँ से लोग आएंगे, इस इलाकों को लूटेंगे, रेल का कोई साधन नहीं है, आप कौन से रेल में जा रहे हो, मैं कौन से रेल में जा रहा हूँ, आम आदिवासी जो झोपड़ी में बैठा है वो कहाँ जाने वाला है, रेल में बैठ के कहाँ जाने वाले हैं लोग? ये रेल इसलिए ला रहे हैं कि इस इलाके में आनंदपुर इलाके में लाखों करोड़ों टन सोना पड़ा है, वो सोना निकालना है, उन लोगों को रेल में भर भर के ले जाना है। हमारे इलाके में मार्बल पड़ा है, जितना भी आदिवासी इलाका है उसके नीचे हजारों करोड़ रुपये टन का खनिज पड़ा है, खनिज खोदने के लिए रेल ला रहे, नहीं चाहिए हमको रेल। विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सही नहीं होगी तो फिर विकास और रोजगार कहाँ से आएंगे?
आदिवासियों के घर को उजाड़ के विनाश करेंगे क्या? यहाँ की जनता के घर को उजाड़ के विनाश करेंगे क्या? क्या जरूरत है हमको? हमारा वैसे ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है अभी यहाँ से, आपका देखिए ये जो हाईवे बन रहा है उस हाईवे के अंदर डूंगरपुर से आपका बांसवाड़ा तक उसमें दो प्रकार के टोल टैक्स लगेंगे, आपको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, आम आदिवासी को, आम जनता को लगेगा। कहाँ से लगेगा पैसा? रोड हमारा, जमीन हमारी, पैसा हमारा और सारा टैक्स लेते हैं हमसे। इसलिए विकास विकास नहीं है सर ये। अभी मैं हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए, हम इस इलाके की और इस क्षेत्र की सारी समस्या है वो वहाँ पर रखना चाहेंगे। अगर जनता ने चाहा तो, अगर इस इलाके में दारू नहीं बिका तो, चुनावों के समय में इस इलाके में पैसा नहीं बटा तो, पैसा बटने वाला है वो करोड़ रुपए बांटने वाले, हमारे पास पैसा नहीं।